Ladies and gentlemen, make some noise for Mr. Kabir Khan. Ladies and gentlemen, let's have the one and only Salman Khan. बजरंगी भाईजान 17 जुलाई को रिलीज होने वाली है और ये इस प्रकार इस टाइप की फिल्म है. दैट्स ऑल वी आर डूइंग नाउडेज. वी नॉट गोइंग ओवरली यू नो प्रमोटिंग एनी ऑफ आवर फिल्म्स. आपकी लास्ट फिल्म केक आई एम स्वाति फ्रॉम आज तक जिसने पूरी दुनिया भर में 350 करोड़ से भी ज्यादा कमाई की थी, तो आपको क्या लगता है इस फिल्म से वो रिकॉर्ड भी अपना तोड़ पाएंगे? कोशिश ये यही होती है ना कि रिकॉर्ड तोड़े. ये तो इसलिए तो पिक्चर नहीं बनती कि लास्ट पिक पिक्चर किक ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए. अब इस बार हमको सबसे बड़ी फ्लॉप चाहिए. इंटेंशन तो ये होता है कि पिछले वाली का रिकॉर्ड तोड़े. जैसे आपका पिछले वाले बॉयफ्रेंड से आप छोड़ती बॉयफ्रेंड को इसलिए ताकि आप आगे जाके बेटर बॉयफ्रेंड मिले, बेटर पत्नी मिले, पति मिले. What is for you?
critical acclaim as well as huge, huge commercial success. Well, I think... मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है बजरंगी भाईजान एंड ही इज डूइंग दिस ही इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म दैट्स व्हाई ही इज डूइंग दिस आई थिंक इट्स बोथ इज इम्पोर्टेंट बट अ गुड फिल्म आई थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स बहुत अच्छी फिल्म बनाई है कबीर सर ने और सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं करीना जी हैं सलमान भाई हैं एंड द वेरी टैलेंटेड वन एंड ओनली नवाजुद्दीन के लिए जोरदार तालियां अभी एक क्वेश्चन आप उनसे भी पूछें कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर रहे हैं और सब एक्टर्स को वो मात दे रहे हैं जैसे कि आमिर शाहरुख मैं सबको मात दे रहे हैं अगली फिल्म आपकी पता ना किसके साथ है ये इंटरव्यू बैठ के देख रहा होगा वो आमिर भी देख रहा होगा अच्छा हाँ मुझे ऑफकोर्स काम करके जो है बहुत इसलिए मज़ा ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मेरी जो छोटी फिल्म आएंगी एटलीस्ट सलमान भाई के फैन फॉलोइंग उसमें से 5% भी मेरी फिल्म देखने आ गए तो मेरी फिल्म हिट हो जाएगी Ladies and gentlemen, thank you all. Make a huge round of applause for the complete saga. Come on, everybody. That's all this success for Bajrangi Bhaijaan. Come on, everybody.